हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृष्णा पंचाल रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की लौंजी या चटनी, बहुत ही आसान तरीके से, और इसे हम बनाएंगे गुड़ के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कच्चे आम की लौंजी या चटनी बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे राजापुरी आम लिया है आधा किलो। इसे अच्छे से वॉश करके हमें स्लाइस में कट कर लेना है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर, मेथी दाना, राई दाना, सौंफ ली है, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, साबुत काली मिर्च और लौंग लिया है, और साथ ही थोड़ा अजवाइन और जीरा लिया है। साथ ही हम ले लेंगे गुड़ इसमें। अब एक पैन में हम तेल गरम करेंगे, तो 2 टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है हम इसमें ऐड कर लेंगे राई दाना, साथ ही साथ इसमें सौंफ ऐड कर लेंगे, मेथी दाना ऐड करेंगे। और ये मसाले फ्रेंड्स जलने ना पाए तो धीमी आंच आप इस समय कर लेना थोड़ी, और 1/4 चम्मच जितना अजवाइन ऐड करेंगे, और इसके साथ ही जीरा ऐड कर लेंगे, साबुत काली मिर्च और लौंग ऐड करेंगे, और 1 साबुत लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा हींग, और इसके साथ ही हम कटा हुआ आम इसमें ऐड कर लेंगे। अभी बिल्कुल धीमी आंच पे हमें इस मसाले में बढ़िया से आम को भूनना है, मतलब 2 से 3 मिनट इसे धीमी आंच पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसाले हमें जलाने नहीं हैं। अभी इसमें ऐड कर लेंगे लाल मिर्च पाउडर, साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अभी इन मसालों को भी अच्छे से आम के साथ मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स एक तीखी वाली लाल मिर्च ली है 1 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने कश्मीरी रेड चिली ली है। तो दोनों मिर्ची का पाउडर आप लेना, तो इससे कलर भी बढ़िया आएगा और थोड़ा सा स्पाइसी भी बनेगा। 1 से 2 मिनट इसे मिक्स करेंगे, और फिर हम इसमें 3/4 ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे। आधे ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने इसमें ऐड किया है, तेज आंच पे उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जब अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाए तब हमें इसे ढक्कन लगा लेना है, और 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। पाँच मिनट के बाद अभी हम एक बार चेक कर लेंगे, और आम काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, बहुत जल्दी ये जो आम है वो कुक हो जाता है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे गुड़। तो जितना आम है उतना ही आपको गुड़ लेना है, और मीडियम फ्लेम पे गुड़ को मेल्ट होने देंगे। मैंने यहाँ पे गुड़ 400 ग्राम लिया है, और थोड़ी सी मैं इसमें शक्कर ऐड करूँगी, इससे थोड़ी सी इसमें शाइनिंग भी आएगी और कलर भी थोड़ा चेंज होगा और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो 50 ग्राम जितने हम इसमें शक्कर ऐड कर लेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अभी मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। तीन से चार मिनट और इसे पकने देंगे। अब ये जो राजापुरी आम है फ्रेंड्स, वो ज़्यादातर गुजरात में यही यूज़ होता है अचार बनाने में या मुरब्बा बनाने में या फिर आम की चटनी बनाने में। ये आम ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता है और बहुत बड़ी साइज़ में आता है, ये आधा आधा किलो का एक आम आता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। इससे थोड़ा सा सूंठ पाउडर डालेंगे हम, जो बहुत अच्छा टेस्ट देगा और ये डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। जनरली आम का जब हम रस भी बनाते हैं तो उसमें सूंठ पाउडर और नमक और थोड़ा सा घी ज़रूर ऐड करते हैं,
तो वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अभी ऑलमोस्ट आम की लौंजी हमारी बनके तैयार हो गई है। गैस बंद कर लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाए तब हमें इसे एक कांच के जार में भर देना है। फ्रेंड्स, आम की लौंजिया चटनी हमारी बनके तैयार है और इसे आप कांच के जार में भर के आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। 2 से 3 महीने तक आप इसे खा सकते हैं, इसे कुछ नहीं होता है। और मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।